मैनेजिंग द प्रमोशन और जो आफ्टर द प्रमोशन हम जो स्टेप कर रहे होते हैं दैट इज एनालाइजिंग द प्रमोशन तो इस प्रिपरेशन मैनेजिंग और एनालाइजिंग को लेट अस डिस्कस विद यू क्विकली वन बाय वन सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ प्रमोशन सो जब हम प्रमोशन को प्रिपेयर करने की बात करते हैं सो so, जो फर्स्ट स्टेप इसके अंदर आता है दैट इज डिफाइनिंग द स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स सो व्हाट आर दी स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो दी ऑब्जेक्टिव्स ऑबजेक्टिविच आर स्पेसिफिक दी ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव आर मैरेबल ऑब्जेक्टिव्स ऑबजेक्टिव आर अचीवेबल दी ऑब्जेक्टिव दबजेक्टिव आर रियलिस्टिक दी दिच आर टाइम बाउंड तो आपके पास अगर स्मार्ट ऑब्जेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपका कभी भी वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा सो योर ऑब्जेक्टिव हैज टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक दे हैव टू बी टाइम बाउंड फॉर श्योर कि मुझे किसी टाइम फ्रेम के अंदर इन ऑब्जेक्टिवस को मीट करना है और ये इसीलिए स्मार्ट ऑब्जेक्टिवस कहलाते हैं तो so, प्रोमोशन की प्रिप्रेशन के अंदर फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने ऑब्जेक्टिवस को डिफाइन करना है और उसके अंदर जो की बात है वो ये है कि दीज ऑब्जेक्टिवस है स्मार्ट ऑब्जेक्टिवस और जो कि मैंने पहले बताया कि स्मार्ट का मतलब ये है कि दे हैव टू बी स्पेसिफिक देव टू बी मैयरेबल दे हैव टू बी अचीवेबल दे हैव टू बी रियलिस्टिक एंड देव टू बी टाइम बाउंड इसी तरीके से फिर उसके बाद आ, आपको डिफ़ाइन करना है चेक करना है आ, और ऑर्डर करनी है क्वान्टिटीज और प्लेस करना है ऑर्डर्स जब आपने आ, पहले स्टेप के ऊपर ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिए हैं अब टाइम ये है कि आप चेक करें और ऑर्डर को प्लेस कर दें क्वान्टिटीज आइडेंटिफाई करें क्वान्टिटीज डिसाइड करें एंड यू नीट टू प्लेस दिकॉज आपके स्टोर में अभी प्रोमोशन का प्रबेशन फेस है अभी प्रमोशन स्टार्ट नहीं हुई है तो आपको फ़ॉरन उन क्वान्टिटीज़ को ऑर्डर करना है जो कि अभी स्टॉक में नहीं है या उतनी क्वान्टिटी में नहीं है जितनी आपने अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर अपने टारगेट के अंदर आपने सेट की है फिर उसके बाद यूनीट टू कम्युनिकेट द प्रमोशन कैंपेन तो थर्ड इम्पॉर्टेंट बात इज़ द कम्युनिकेशन ऑफ दी कैंपेन ऑफ़ दी प्रमोशन विच यू आर गोइंग टू डू बेशक वो आप टेलीविजन के ऊपर करने जा रहे हैं बेशक वो आप रेडियो के ऊपर करने जा रहे हैं बेशक वो आप न्यूज़पेपर uh, के अंदर करने जा रहे हैं सोशल मीडिया को ऑप्ट करने जा रहे हैं तो किसी भी मीडियम को कि हमने डिस्कस किए हैं आप ऑप्ट करने जा रहे हैं आपको कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है अपनी प्रमोशन की के फॉर एग्जाम्पल दिस प्रोमोशन विल बी स्टार्टड फ्राम दिस स्टेट एंड दिस 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 विल बी द प्रोमोशन तो किस प्रोडक्ट के ऊपर है क्या प्रमोशन है किस ड्यूरेशन के अंदर है किसके लिए है वो तमाम की कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द राइट टारगेट मार्केट ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव हो सकें फिर उसके बाद यू नीड टू मेक द लोकेशन एंड प्रोमोशन साइनेज रेडी जिस जगह के ऊपर जिस लोकेशन के ऊपर यू आर गोइंग टू डू द प्रोमोशन विच मीनस प्रमोशनल एरिया उसको आपने रेडी करना है प्रमोशनल एरिया की प्रिपरेशन करनी है साइनेज़स की प्रिपरेशन करनी है क्योंकि आपको ये पता है कि लेआउट मेरे पास मौजूद है एक प्रमोशनल एरिया डेजिग्नेटेड मौजूद है अब उस प्रमोशन एरिया के अंदर मुझे कौन कौन से आर्टिकल्स किस किस क्वांटिटी के अंदर किस तरीके से किस मीडियम को यूज़ करते हुए वहाँ डिस्प्ले करने तो सबसे पहला काम ये है फिर उसके बाद ये करना है आपने कि आपने उनके लिए अप्रोप्रिएट साइनेजेस रेडी करने जो कि प्राइस साइनेज भी होंगे जो कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन uh, साइनेज भी होंगे प्रोडक्ट के नेम के साइनेज भी होंगे सो so, जो भी जिस भी तरह का साइनेज है उसकी प्रिपरेशन करनी है उसको रेडी करना है ताकि वो कस्टमर को वो ऑन द स्पॉट प्रॉपर मैसेज दे सके वो प्रॉपर कम्युनिकेशन दे सके जो कि कस्टमर एक कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहा है उस प्रोडक्ट के पास से और फिर लास्ट में लास्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन इज़ प्लानिंग योर स्टाफ तो उस प्रमोशनल डेज के ऊपर प्रमोशनल ड्यूरेशन के अंदर किन लोगों को किस टाइम के ऊपर आपने प्लान करना है आपने स्केजूल करना है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके पास प्रोडक्ट प्रॉपरली डिस्प्लेड है लेआउट प्रॉपरली है कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली है ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपरली डिफाइन कर दिए गए हैं लेकिन जिस स्टाफ ने कस्टमर को डील करना है वो स्टाफ प्रॉपरली स्कीजूल नहीं है प्रॉपरली प्लान नहीं है ऑफकोर्स दे विल बी अ गैप तो ऑब्जेक्टिव तो ये है कि आपने अपने स्टाफ को भी अकॉर्डिंगली प्लान करना है कंसिडरिंग द कस्टमर बिहेवियर कंसिडरिंग द कस्टमर फुटफॉल कंसिडरिंग द पीक आवर्स ऑफ कस्टमर विजिट आपने uh, स्टाफ को प्लान करना है ताकि ज्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को वन ऑन वन इंटरेक्शन हो सके ज्यादा से ज़्यादा कस्टमर को uh, का आपके स्टाफ के साथ इंटरेक्शन हो सके कस्टमर की क्वेरीज को आंसर किया जा सके कस्टमर को प्रॉपरली फीडबैक लिया जा सके और कस्टमर को प्रोडक्ट्स को सेल किया जा सके सो प्रिपरेशन के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम दी ऑब्जेक्टिव्स टिल दी स्टाफ प्लानिंग ये सारे स्टेप्स यू हैव टू फॉलो अगर आप ये करेंगे तो यू विल बी एबल टू सक्सेसफुली मूव टू नेक्स्ट स्टेप विच इज मैनेजिंग द प्रमोशन